अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत स्कीम नंबर 2 में किराए के मकान पर रह रहे एक जज के घर में अज्ञात चोर चांदी के सामान व नकदी लेकर फरार हो गए। थाने के एएसआई अरुण कुमार ने बताया कि न्यायाधीश मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण गोविंद अग्रवाल ने शाम 6 बजे सूचना दी कि अलवर शहर के स्कीम नंबर 2 में रहते हैं और उनके घर में चोरी हो गई। सूचना पर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया। पुलिस टीम ने गली व मकान के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले, साथ ही पुलिस कंट्रोल रूम के भी सीसीटीवी खंगाले गए और फुटेज की तलाश की गई। चोरों की तलाशी के लिए पुलिस गठित की गई है। दर्ज पुलिस रिपोर्ट के अनुसार अज्ञात चोर घरेलू सामान, दस्तावेज, चांदी के सिक्के व गिलास, भगवान की पूजा के बर्तन एवं करीब 20,000 की नकदी ले गए। उन्होंने बताया कि पेड़ों से चोर घर में घुसे और खिड़की को तोड़कर सामान पार करके ले गए। कल दिनांक 16/8/2023 को समय करीब 6 बजे श्रीमान गोविंद अग्रवाल जी, न्यायाधीश मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण अलवर के द्वारा थाना पर सूचना दी गई कि स्कीम नंबर 2 में जिस मकान में मैं निवासरत हूँ, उस मकान से आज दिन में अज्ञात मुजरिमानों के द्वारा सामान वगैरह चोरी कर लिया गया है, जिस पर सूचना पर मौके पर थाना अधिकारी महोदय नए जाप्ता के पहुँचे, जिनके द्वारा घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। घटनास्थल के आसपास गली मोहल्लों और मुख्य मार्गों पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे, कंट्रोल रूम के सीसीटीवी कैमरे की गहनता से जांच की जा रही है, फुटेज देखे जा रहे हैं और अज्ञात मुजरिमान की तलाश के लिए थाने से टीम का गठन कर तलाश के लिए भेजे हुए हैं। जिस पर श्रीमान द्वारा जो रिपोर्ट दी गई थी, उस पर FIR दर्ज की गई है। श्रीमान द्वारा बताया गया है कि अज्ञात मुजरिमानों द्वारा कुछ घरेलू सामान, कुछ दस्तावेज व चांदी के सिक्के, गिलास वगैरह और मंदिर में रखे हुए भगवान के बर्तन वगैरह ये चोरी किए गए हैं, जो सही रूप से अभी जानकारी नहीं मिल पाई है कि क्या क्या सामान था, जो देखकर श्रीमान द्वारा बताया जाएगा। अनुसंधान जारी है। अंदर प्रवेश कैसे किया? बताया जा रहा है कि जो बाहर की बाउंड्री है, बाहर की बाउंड्री से लगता हुआ जो दूसरा मकान है, उसकी बाउंड्री के पास भी सीसीटीवी वगैरह लगी हुई थी, तो प्रथम दृष्टया यही है कि वहीं से मुजरिमानों के द्वारा पेड़ लगे हुए थे, पेड़ों की आड़ में मकान में प्रवेश किया है और मकान का अंदर से खिड़की वगैरह तोड़ के और अंदर प्रवेश किया है। कुछ नकदी भी बताई जा रही है? हाँ, नकदी बताई गई है, 20-25,000 रुपये की नकदी बताई गई है।